I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And today I am going to discuss this time a new theory under the main headings of learning theories of behaviorism, that is classical conditioning theory. हम लोग लर्निंग थियोरी पे बात कर रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम व्यवहारवाद के अंतर्गत आने वाली अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने थॉर्नडाइक की लर्निंग थियोरी को पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे पावलोव को, जिनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी है. उसके बाद स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे. तो लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, आपको मैटर इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. और बहुत ही कॉमन टॉपिक है पूछा जाने वाला, जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके कोर्स सिलेबस का हिस्सा होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग और सरल भी है. बस मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि दिक्कत कहाँ होती है कि जब सारी थ्योरीज हम पढ़ चुके होते हैं तो हम आपस में उसको मिला देते हैं, हमको मेन थीम नहीं याद रह पाती है, डिस्टिंक्टिवनेस हम खो देते हैं. वो हमको ध्यान रखना है. उसके लिए क्या होगा, को बार बार पढ़ना चाहिए, दोहराना चाहिए. जैसे कि थॉर्नडाइक साहब ने कहा है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज. अगर हम डिसयूज करेंगे तो भूल जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग. ये तो नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कंडीशनिंग की बात बिहेवियरिज्म ने ही कही है. तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली थ्योरी है. इट पोजिट्स दैट व्हेन अ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस and an environmental stimulus are repeatedly paired. ये क्या कह रहा है कि जब एक स्वतः होने वाला उद्दीपन और एक environmental stimulus, मतलब एक वातावरणीय stimulus है और एक है जो naturally occurring है, उसमें कोई हमने कुछ conditioning नहीं लगाई है, are repeatedly paired. अगर वो बार बार उनकी pairing होती है, बार बार वो एक साथ आते हैं, तो क्या होता है, the environmental stimulus will elicit a similar response to the natural stimulus. वो कह रहे हैं कि जो वातावरणीय stimulus है वो similar response देता है किसके, नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस के. अभी आगे समझ में आ जाएगी ये बात. स्टिमुलाई दैट हैड प्रीवियसली बीन न्यूट्रल, वो स्टिमुलस जो पहले न्यूट्रल था, मतलब उदासीन था, उसका रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बिकम कंडीशनड, वो कंडीशनड हो जाता है, सीख जाता है क्या चीज, बिकॉज ऑफ देयर रिपीटेड एसोसिएशन विद ए नेचुरल रिस्पॉन्स. मतलब वो बार बार नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ उसकी पेयरिंग हो रही है, तो वो कंडीशनड रिस्पॉन्स सीख जाता है, जबकि वो था क्या, वो न्यूट्रल था, उसका रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं था. ये तो इसका एक थीम है, बेसिक है, इसी के इर्द गिर्द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी घूमती है. तो अब देखते हैं कि क्या है, कैसे, अभी आप समझ जाएंगे. द मोस्ट फेमस स्टडीज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग आर रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव्स एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स. देखिए कितना हमको साइकोलॉजी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है वो अक्सर उन लोगों से मिला है जो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, है ना. पावलोव साहब भी फिजियोलॉजिस्ट थे, और ये हम लोग जब बायोलॉजी, मतलब सेवेंथ एट किसी क्लास में था, ये चैप्टर हम लोग पाचन तंत्र में पढ़े हैं, पावलोव का एक्सपेरिमेंट, जहां वो बताता है कि वो ये चेक करना चाह रहा था कि कितना सलाइवा एक्सक्रीट कर रहा है डॉग, उससे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ अध्ययन कर रहे थे. और ये देखिए साइकोलॉजी में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका हो गया. ऑल्दोह पावलोव वॉज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, सॉरी, पावलोव यद्यपि मनोवैज्ञानिक नहीं थे, हिज डिस्कवरी हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी. उनकी इस खोज ने हमको मनोविज्ञान को बहुत प्रभावित किया है. इन पर्टिकुलर पावलोव्स वर्क वॉज पॉपुलराइज इन साइकोलॉजी बाई जॉन बी वॉटसन. विशेष रूप से पावलोव के काम को साइकोलॉजी में लाने वाले, साइकोलॉजी में पॉपुलर करने वाले कौन है, जॉन बी वॉटसन, जो कि बिहेवियरिज्म के जनक कहे जाते हैं. ही किक्ड ऑफ द बिहेवियरिस्ट मूवमेंट इन साइकोलॉजी 1913 विद ए मैनिफेस्टो दैट सेड psychology should abandon the study of things like consciousness and only study observable behavior including stimuli and responses. yani ki john b watson jo behaviorism ya vyavaharvad ke janak hain wo ye unhone ye pavlov ka wo conditioning wala pick kar liya aur kaha ki jo psychology ko kya karna chahiye vyavahar ka adhyayan karne ke liye un sabhi cheezon ko chhod dena chahiye jo chetna ka hissa hai jo internal mental state ka hissa hai aur sirf kisko study karna chahiye observable behavior yani hamare prekshaniya vyavahar yani hamara wo vyavahar jo prekshaniya hai jo dikhai deta hai jisko aap observe kar sakte hain jisme kya kya aayega stimulus aur response humko udipan milta hai vatavaran se aur hum pratikriya dete hain behaviorism isi pe based hai hum aage padhenge janenge ki bahut kamiyan hai isme koi bhi human ka complex behavior aap sirf stimuli aur response
संसद से गवर्न नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हम कितने तरीके का व्यवहार करेंगे, हम कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो बिहेवियरिज्म ने हमको दिया है और हम इसको छोड़ नहीं सकते. ओके, तो पेवलॉफ साहब का एक्सपेरिमेंट देखिए. ये एक्सपेरिमेंट पेवलॉफ साहब का है. देखिए, ये इन्होंने डॉग है और ये बेल है. अभी आप जानेंगे बेल क्या है, कैसे ट्यूब फॉर कलेक्शन ऑफ सलाइवा. सलाइवा देखिए, इसने यही नाप रहा था ना कि कितना सलाइवा वो सिक्रीट करता है, तो सलाइवा कितना निकल रहा है उसको नापने के लिए भी यंत्र है, ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है, सब कुछ है. ये इन्होंने डॉग का सेटअप लगा रखा है. तो हुआ क्या इनके एक्सपेरिमेंट में, क्लासिकल कंडीशनिंग रिक्वायर्स प्लेसिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस इमीडिएटली बिफोर अ स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली अकर्स. मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करना पड़ता है हमको कि प्लेस करना पड़ता है किसको, एक न्यूट्रल स्टिमुलस को. न्यूट्रल स्टिमुलस माने उदासीन उद्दीपन. उदासीन उद्दीपन माने कि उस उद्दीपन का कंडीशनिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी भी रिस्पॉन्स से वो जुड़ा नहीं है, कुछ भी है न्यूट्रल है. लेकिन हम इसको कहाँ प्लेस कर रहे हैं, इमीडिएटली बिफोर अ स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली अकर्स. एक ऐसे स्टिमुलस के जस्ट पहले इसको प्लेस कर रहे हैं जिससे कि हमको कोई रिस्पॉन्स मिल रहा था, विच इवेंचुअली लीड्स टू ए लर्नेड रिस्पॉन्स टू द फॉर्मरली न्यूट्रल स्टिमुलस. तो क्या होगा, वो स्टिमुलस जो पहले न्यूट्रल था लेकिन हमने क्या किया, बार बार हमने उसको इमीडिएटली बिफोर प्लेस किया है एक ऐसे स्टिमुलस से जिसके की कोई रिस्पॉन्स निकल रहा था, तो उन दोनों की पेयरिंग हो जा रही है, ये कह रहा है. और जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स सीख जा रहा है जो कि उसका रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन वो सिर्फ पेयरिंग से वो रिस्पॉन्स सीख जा रहा है. ये इनका जिस्ट है. इन पेवलॉव्स एक्सपेरिमेंट्स ही प्रेजेंटेड फूड टू ए डॉग. उसने क्या किया पेवलॉव ने कि वो कुत्ते को उसने भोजन दिया. व्हाइल शाइनिंग अ लाइट इन ए डार्क रूम और रिंगिंग अ बेल. शाइनिंग अ लाइट इन ए डार्क रूम का बहुत कम जिक्र मिलता है, पर एक जगह मिला तो मैंने इसको कोट कर दिया. वैसे हमेशा आपको हर जगह लिटरेचर में रिंगिंग अ बेल ही मिलेगा. मतलब कि उसने क्या किया कि भोजन देने से जस्ट पहले उसने बेल बजाई. तो बेल का काम सलाइवा से तो कोई मतलब नहीं, बेल से क्यों सलाइवा सिक्रीट होगा, नहीं सिक्रीट होगा ना. तो बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन जो फूड है उससे सलाइवा सिक्रीट हो रहा है ना. लेकिन कर क्या रहे हैं ये कि बेल को बार बार फूड देने से पहले बजा रहे हैं. तो ये क्या हुआ, बेल का बजना और फूड का मिलना की पेयरिंग हो गई है. तो इसका क्रक्स आपको बाद में निकल के आएगा, क्या पता चलेगा कि सिर्फ बेल की आवाज सुन के ही जो डॉग है वो सलाइवा सिक्रीट कर दे रहा है, और इसका एजुकेशन में बहुत इंप्लीकेशन है. द डॉग ऑटोमेटिकली सलाइवेटेड व्हेन द फूड वाज प्लेस्ड इन इट्स माउथ. है ना, कि क्या हुआ कि जो डॉग है वो ऑटोमेटिकली उसका सलाइवा सिक्रीट हो जाएगा जब जब हम भोजन उसके मुंह में जाएगा. आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड वाज रिपीटेडली पेयर्ड विद द लाइट ऑफ द बेल. हम बार बार भोजन के पहले उसको लाइट जला रहे हैं या घंटी बजा रहे हैं, तो क्या होगा, द डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग व्हेन इट सॉ द लाइट और हर्ड द बेल. यही बताया ना मैंने. तो लास्ट में क्या होगा, जब रिपीटेडली ये पेयरिंग होगी, रिपीटेडली ये एसोसिएशन होगा, तो जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो सलाइवा यानी लार का सिक्रीशन कर देगा सिर्फ अगर वो बत्ती जलेगी, लाइट जलेगी, प्रकाश मिलेगा उसको, या वो घंटी की आवाज सुनेगा. इवन व्हेन नो फूड वाज प्रेजेंटेड, यानी कि भोजन उसको दिया भी नहीं गया तब भी. तो ये एसोसिएशन उसने सीख लिया, कंडीशनिंग उसने सीख ली, यही क्लासिकल कंडीशनिंग है. इन अदर वर्ड्स, द डॉग वाज कंडीशनड टू एसोसिएट द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस विद द सलाइवेशन रिस्पॉन्स. यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो डॉग है वो कंडीशनड हो गया है, इस कंडीशन के लिए उसने अपने आप को ढाल लिया है कि घंटी बजती है तो भोजन मिलता है तो सलाइवा सिक्रीट होता है. तो सिर्फ घंटी बजने पे ही सलाइवा सिक्रीट हो जा रहा है जबकि उसको भोजन नहीं मिला तब भी. ये इनका एक्सपेरिमेंट है, कर फिजियोलॉजी में रहे थे और उसका इम्प्लीकेशन हमको साइकोलॉजी में मिल गया एक बहुत बड़ी खोज के रूप में. ओके, तो कितने प्रकार के स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस की बातें कर रहे हैं. देखिए, सवाल कैसे पूछा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, आपसे पूछेगा कि UCS क्या है. ये सारे टर्म आपको बता दूंगी, UCS, CS, UCR, CR. तो वो पूछता है कि CR का क्या मतलब है, UCR का क्या मतलब है, CS का क्या मतलब है. तो हमको ये कंसेप्ट इस तरीके से समझना है. एक्सपेरिमेंट तो हम समझ ही गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो कौन मतलब इसके एक्सपेरिमेंट में क्या चीज है जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है. यूसीएस क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस. कौन सी ऐसी चीज है जो कंडीशनड स्टिमुलस है, कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, और कौन सा रिस्पॉन्स है जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है. ये चार चीज आप समझ लीजिए तो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगी. अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फूड टू द डॉग इज रिफर्ड टू एज द अनकंडीशनड स्टिमुलस बिकॉज द डॉग्स रिस्पॉन्स टू द फूड अकर्स नेचुरली. मतलब समझ आया कि जो फूड है, हम भोजन दे रहे थे डॉग को,
तो भोजन का तो काम ही है ना, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली सलाइवा सिक्रीट करेगा भोजन अगर उसको सामने आएगा, उसके मुंह में आएगा तो। यानी कि भोजन के प्रेजेंटेशन में कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, इसका मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ फूड किस तरीके का स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि इसने कुछ नहीं सीखा है, ये अपना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही दे रहा है, नेचुरल रिस्पॉन्स ही दे रहा है। कह रहा है ना कि प्रेजेंटेशन ऑफ फूड टू द डॉग इज रेफर टू एज द अनकंडीशन स्टिमुलस। क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिकॉज द डॉग्स रिस्पॉन्स टू द फूड अगर नेचुरली, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उसका प्रतिक्रिया उसकी वही है कि सलाइवा सिक्रीट होना है। इट इज अ स्टिमुलस और ट्रिगर दैट लीड्स टू एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली निकल रहा है, इसमें कोई कंडीशनिंग ना सीखी ना सिखाई। फिर कंडीशन स्टिमुलस, कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जिसने कंडीशनिंग सीखी है, जिसने कुछ चेंज किया है अपने रिस्पॉन्स में? लाइट और बेल। द लाइट और बेल इज द कंडीशन स्टिमुलस। क्यों? बिकॉज द डॉग मस्ट लर्न टू एसोसिएट इट विद द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि डॉग ने ये सीखा कि हमको लाइट के जलने या बेल के सुनाई देने से अगर सलाइवा सिक्रीट कर ले रहा है, जबकि लाइट और बेल क्या थे? पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थे, लेकिन जब इनकी कंडीशनिंग हो गई तो यही कंडीशन स्टिमुलस बन गए। पहले ये कुछ नहीं कर रहे थे, लाइट के जलाने पर कभी नहीं सलाइवा सिक्रीट करता वो, लेकिन चूंकि इसने बार बार ये फूड को प्रेजेंट करने से बिफोर जस्ट इमिडिएटली इनका प्लेसमेंट किया गया, इसलिए ये कंडीशन स्टिमुलस बन गए, और अब वो रेस्पॉन्स देंगे जो कि कौन देता है? अनकंडीशन स्टिमुलस। समझ में आ रही बात? फिर यूसीआर क्या है? सलाइवेशन इन रेस्पॉन्स टू द फूड इज कॉल्ड द अनकंडीशन रेस्पॉन्स। भाई उसको भोजन मिला और वो उसने लार निकाली, सलाइवा सिक्रीट किया, तो ये तो अनकंडीशन रेस्पॉन्स है। क्यों अनकंडीशन? क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये इननेट है, ये नेचुरल है। इट इज एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स और ए रेस्पॉन्स दैट अकर्स विदाउट थॉट व्हेन एन अनकंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंट, है ना? लेकिन सीआर क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा कि जब वो सलाइवा सिक्रीट कर दे इवन इन द एब्सेंस ऑफ फूड। सलाइवेशन टू द लाइट और बेल इज द कंडीशन रिस्पॉन्स, है ना? क्यों? क्योंकि बिकॉज द डॉग लर्न्स टू एसोसिएट दैट रिस्पॉन्स विद द कंडीशन स्टिमुलस। डॉग ने क्या सीखा? इस रिस्पॉन्स को उसने सीएस से जोड़ लिया। इट इज अ लर्नेड रिस्पॉन्स, ये सीखा हुआ रिस्पॉन्स है, इसलिए इसको कंडीशन रिस्पॉन्स कह रहे थे। मैं पहले भी कहीं बताया है कि कंडीशनिंग अगर आप नहीं समझ सकते तो कंडीशनिंग को समझ लीजिए कि लर्निंग है। तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हो गया? लर्नेड रिस्पॉन्स हो गया। और रिस्पॉन्स दैट इज क्रिएटेड वेयर नो रिस्पॉन्स एग्जिस्टेड बिफोर, या वो रिस्पॉन्स उसने सीख लिया जो रिस्पॉन्स पहले कभी कहीं नहीं था। तो ये चार टर्म हमको बिल्कुल हमारे जेहन में क्लियर होने चाहिए कि यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, फूड। कंडीशन स्टिमुलस क्या है, लाइट और बेल। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जब सलाइवेशन हम फूड के आने के बाद सिक्रीट कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जब हम सलाइवेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ फूड सिक्रीट कर रहे हैं। ओके, देन थ्री स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर हमको क्लासिकल कंडीशनिंग समझनी है तो हमको तीन उसको चरणों में समझना पड़ेगा। क्या? बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग के पहले क्या दशा थी। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद क्या, सॉरी कंडीशनिंग के दौरान क्या चल रहा है, और आफ्टर कंडीशनिंग यानी कंडीशनिंग के बाद क्या हो रहा है। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस रिक्वायर्स अ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस दैट विल ऑटोमेटिकली इलिसिट अ रिस्पॉन्स। यानी कि जब कंडीशनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो क्या था, एक नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस था और एक ऑटोमेटिकली इलिसिट रिस्पॉन्स था। मतलब एक फूड का प्रेजेंटेशन था, सलाइवा का सिक्रेशन था, किसी ने कुछ सीखा नहीं था, वो ऑटोमेटिक था। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द प्रोसेस द यूसीएस रिजल्ट्स इन ए यूसीआर, है ना? यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस ने अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया, किसी ने कंडीशनिंग सीखी नहीं, लेकिन ड्यूरिंग कंडीशन क्या हुआ, द न्यूट्रल स्टिमुलस इज रिपीटेडली पेयर्ड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस। हमने न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार उसकी पेयरिंग कराई है, किससे? यूसीएस से। तो यही न्यूट्रल स्टिमुलस क्या बन जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पेयरिंग एन एसोसिएशन बिटवीन द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस एंड द अनकंडीशन स्टिमुलस इज फॉर्म्ड। यानी कि बार बार क्या हुआ, पेयरिंग हो गई, किसके किसके बीच में, न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में और यूसीएस के बीच में। तो एट दिस पॉइंट द वंस न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स नोन एज द सीएस। समझ में आ गई ना बात? क्यों? क्योंकि यूसीएस और एनएस में पेयरिंग हुई और अब बन गया सीएस। फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल पेयरिंग हो गई, कंडीशनिंग हो गई, लर्निंग हो गई, अब क्या होगा, वंस द एसोसिएशन हैज बीन मेड बिटवीन द यूसीएस एंड द सीएस, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस में जब पेयरिंग हो गई, एसोसिएशन हो गया, तो क्या हुआ, प्रेजेंटिंग द कंडीशन स्टिमुलस अलोन विल कम टू इवोक अ रिस्पॉन्स। यानी कि हम सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस दे रहे हैं, हम अनकंडीशन स्टिमुलस दे भी नहीं रहे, तब भी हमको क्या मिल जा रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। सॉरी, द रिजल्टिंग रिस्पॉन्स इज नोन एज द सीआर, द कंडीशन रिस्पॉन्स इज द लर्नड रिस्पॉन्स टू द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। ओके, सॉरी। फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। अगर हमको क्लासिकल कंडीशनिंग समझनी है तो हमको कुछ सिद्धांत जानने होंगे, जैसे एक्विजिशन,
एक्विजिशन का क्या मतलब है? अधिग्रहण. अधिग्रहण का क्या मतलब है? इन द इनिशियल पीरियड ऑफ लर्निंग एक्विजिशन डिस्क्राइब्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू कनेक्ट इन न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस. एक्विजिशन का मतलब क्या? अधिग्रहण, मतलब हम कुछ सीख रहे हैं. ये इनिशियल पीरियड ऑफ लर्निंग का, जब ऑर्गेनिज्म क्या सीखता है? कनेक्ट करता है किसको? न्यूट्रल स्टिमुलस को, यूसीएस के साथ. एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब है निकल जाना, भूल जाना. तो इन साइकोलॉजी में एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ ए कंडीशन रिस्पॉन्स बाय ब्रेकिंग द एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशन एंड द अनकंडीशन स्टिमुलाई. देखिए इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन निकल के आएगा कि हम अनलर्न भी करा सकते हैं, अनकंडीशन भी करा सकते हैं. कैसे? हम उस पेयरिंग को ब्रेक कर दें, हम उस एसोसिएशन को ब्रेक कर दें, हम अब कभी उसकी पेयरिंग ना कराएं तो ये रिस्पॉन्स वो भूल जाएगा. कौन सा? कंडीशन रिस्पॉन्स. फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये टर्म आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी मिलेगा. ये क्या है? इट इज अ फेनोमेना ऑफ पेवलोवियन कंडीशनिंग दैट रिफर्स टू द रिटर्न ऑफ ए कंडीशन रिस्पॉन्स इन ए वीकर फॉर्म आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग एक्सटिंक्शन. मतलब एक्सटिंक्शन हो गया, वो भूल गया, वो कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत समय के बाद भी अगर पेयरिंग होती है किसकी किसकी? न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स दे सकता है. स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, मतलब अचानक से याद आता है, हमको लगता है कि हम वो चीज़ भूल चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है, भले वो वीकर फॉर्म में रहे, हमको उतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ना मिले. फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो समझ जाता है कौन, ऑर्गेनिज्म समझ जाता है कि कहाँ कौन से स्टिमुलस हमको एक तरीके के मिल रहे हैं, उनका जनरलाइजेशन करता है, सिमिलर रिस्पॉन्स देता है, और वो ये भी समझ जाता है कि कौन से स्टिमुलस ऐसे हैं जो एक जैसे नहीं है, उनको वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है और डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है. समझ में आई बात? अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन, हम इसको कैसे आलोचनात्मक रूप से इसका समअप करने की कोशिश करें, समरी बनाएं, तो क्या होगा? अ स्ट्रेंथ ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज दैट इट इज साइंटिफिक. पहली बात, वैज्ञानिक है. क्यों? कंट्रोल्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यही तो साइंस में होता है, यही तो एक्सपेरिमेंटल मेथड की खास बात है. दिस इज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंपीरिकल एविडेंस कैरीड आउट बाई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, टैबलो शोड हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग कुड बी यूज्ड टू मेक डॉग्स सलाइवेट टू द साउंड ऑफ ए बेल. मतलब सब कुछ नियंत्रित दशा में हुआ है, कोई अपने मन मर्जी नहीं चल रही है, इसलिए ये प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग की श्रेणी में आएगा. तो ये इसने कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से साइंटिफिक साइंस को बल दिया. फिर सपोर्टर्स ऑफ ए रिडक्शनिस्ट अप्रोच से दैट इट इज साइंटिफिक. ओके, ठीक है. ब्रेकिंग कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर्स डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स मींस दैट दे कैन बी साइंटिफिकली टेस्टेड, यानी कि इसकी वैज्ञानिक रूप से जांच की जा सकती है. हाउएवर सम वुड आर्ग्यू, पर कुछ लोग ये तर्क देते हैं दैट द रिडक्शनिस्ट व्यू लैक्स वैलिडिटी. लेकिन वो कहता है कि ये वैलिडिटी की कमी है, यानी कि वो जो नापने जा रहे हैं वही नाप रहे हैं कि नहीं, इसमें हमको शंका है. Thus, while reductionism is useful, it can lead to incomplete explanations. है ना, यानी अपूर्ण व्याख्या देता है. फिर a final criticism of classical condition theory is that it is deterministic. क्यों? क्योंकि deterministic की बात क्यों करते हैं? ये free will नहीं है किसके पास? Organism के पास. ये बात behavior Skinner साहब भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ तो environment govern कर रहा है ना, स्टिमुलस गवर्न कर रहा है, रीइंफोर्समेंट गवर्न कर रहा है, रिस्पॉन्स गवर्न कर रहा है, इसमें ऑर्गेनिज्म की फ्री विल नहीं चल रही है, तो हम डिटर्मिनिस्टिक व्यू नहीं है इसमें. This means that it does not allow for any degree of free will in the individual. यही बात कहती थी. Accordingly, a person has no control over the reactions they have learned from classical conditioning, such as phobia. मतलब आप क्या करेंगे अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं किसी ऐसी चीज से, लाइट जला रहे हैं और बच्चे के कमरे में हमने कोई ऐसी डरावनी चीज भेज दी, इस सारी लाइट बंद कर रहे हैं, तो कोई ऐसी डरावनी चीज लाइट बंद कर रहे हैं, कोई डरावनी चीज लाइट बंद कर रहे हैं, कोई डरावनी चीज, बच्चा लाइट बंद करने से बहुत डरेगा, उसको लगेगा कि वो डरावनी चीज उसको दिख जाएगी या मिल जाएगी, है ना. तो इस तरह से फोबिया भी क्रिएट किया जा सकता है बाय क्रिएटिंग और फोबिया का डर हटाया भी जा सकता है. बाय क्रिएटिंग जनरल लॉज ऑफ बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक साइकोलॉजी अंडरएस्टिमेट्स द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर फ्रीडम टू चूज देयर ओन डेस्टिनी. तो ये जो है इसकी आलोचना की जा सकती है, ह्यूमन बीइंग्स कितने यूनिक हैं, उनकी यूनिकनेस को ये हैम्पर करता है, क्योंकि कहता है कि आपकी फ्री विल तो चली ही नहीं. ओके, तो I have completed a very important and basic concept in behavioristic learning theories, that is classical conditioning theory of Pavlov. Very, very important. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe to my channel, Explore Education. Bye. Done from my side.